कांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ढपटी में दो सगे भाइयों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। मौत के स्पष्ट कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस का प्रथम दृष्टया मानना है कि जहरीले पदार्थ के सेवन के चलते दोनों की मौत हुई है। ग्राम जसपुर ढपटी निवासी 32 वर्षीय प्रकाश सिंह धामी तथा उसका 28 वर्षीय भाई भोपाल सिंह धामी पुत्रगण राजेंद्र सिंह की मौत की सूचना शनिवार की सुबह पुलिस को मिली। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कांडा थाना अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पुलिस ने कोविड-19 की गाइडलाइन के आधार पर शवों को जिला अस्पताल पहुंचाया है। इधर परिजनों ने बताया कि दोनों मृतकों के परिवार की हालत ठीक नहीं है। दोनों भाइयों की मौत के बाद परिवार के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता कमल सिंह भौरियाल ने शासन प्रशासन से प्रभावित परिवार को आर्थिक मदद की गुहार लगाते हुए सहयोग के लिए जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर LS ब्रजवाल का आभार जताया है। सर, ये गांव कांडा तहसील के ग्राम ढपटी में घटना हुई। सुबह ग्रामीणों का अचानक 9:30 बजे मेरे पास फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे अवस्था में आकर के मिला है, और थोड़ी देर के पास घटनास्थल पर मैं पहुंचा आधे घंटे के बाद कमलदेवी से, और थोड़ी देर बाद देखा तो एक उसका बड़ा भाई प्रकाश और दूसरा वाला जो छोटा वाला है भरत, दोनों मृत अवस्था में वहाँ पर पाए गए। और घटना की जांच कांडा SHO को दी गई और SDM कांडा को दी गई। थोड़ी देर बाद पुलिस प्रशासन वहाँ पर SHO कांडा मौके पर उपस्थित रहे, उसने घटना की जांच की, और अभी हम बागेश्वर उसको PM के लिए लाए हुए हैं, और मौके पर SDM साहब कांडा भी आए थे, SHO की पूरी टीम रही, सारे ग्रामीण रहे, और ये जांच के बाद ही आगे को पता लग पाएगा। लेकिन दोनों जो मृत जो दुखद घटना हुई, एक ही परिवार के दो सगे भाई थे, और बहुत दुखद और दर्दनाक ये घटना हमारे क्षेत्र में पहली ऐसी घटना है। और एक की शादी है, छोटा सा बच्चा है, अपने हंसते पूरे हंसते खेलते परिवार को क्या कहते हैं छोड़ गए हैं। मैं शासन प्रशासन से अपील करूँगा कि इस परिवार को जो भी उचित मुआवजा होता है उसको देने की कृपा करें। CCN न्यूज़ के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।